खबर अयोध्या से है, जहां फिल्मी सितारों का रामलीला का आगाज 25 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन लक्ष्मण किला रामलीला मैदान पर विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। यहां भूमि पूजन अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मल्लिक बॉबी लक्ष्मण किला के महंत मैथिली रमण शरण महाराज व बीजेपी के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व भगवान राम का पात्र निभाने वाले कलाकार के द्वारा संपन्न हुआ। दरअसल 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रामनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला शुरू होगी, तो वहीं इस बार ऐतिहासिक रामलीला का मंचन होगा, जिसमें फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां रामलीला के विभिन्न पात्रों पर अभिनय करेंगी। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मल्लिक बॉबी ने बताया कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। इस बार परशुराम की भूमिका में मनोज तिवारी, केवट की भूमिका में रवि किशन तथा गजेंद्र चौहान, राजा जनक, गिरजा शंकर, दशरथ, बिंदु, दारा सिंह, हनुमान, शाहबाज खान, रावण की भूमिका में अभिनय करते दिखाई देंगे। तो वहीं राम की भूमिका निभा रहे राहुल बुच्चर ने बताया, उत्तर प्रदेश में इतना भरपूर प्यार मिलता है कि हम बार बार यहाँ पर आकर रामलीला और भूमि पूजन का सौजन्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का, डिप्टी सीएम और सभी प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। हालांकि इस रामलीला भूमि पूजन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आना संभावित था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उनका कार्यक्रम से आना रद्द हो गया। आपको बता दें कि अयोध्या की रामलीला का इस बार तीसरा वर्ष है। डिप्टी सीएम, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमें इतना प्यार मिलता है कि हम बार बार हर बार यहीं पर आके लीला करने का हमारा मन करता है, और लीला ही नहीं भूमि पूजन भी करके पूरा विधि पूर्वक हमें करने का सौजन्य महसूस होता है, और हमें अच्छा लगता है ये चीज़ बार बार करना। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के पर प्यार की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। आपके 17 आ रहे हैं इस बार, और उम्मीद है कि 22 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा, और 2 महीने की बात है, 1 महीने की बात है। नवरात्रि के अवसर पर यह आज भूमि पूजन हुआ है, और नवरात्रि के दिन से यह दिल्ली के कलाकारों के द्वारा, फिल्मी सितारों के द्वारा, और रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, हमारे राम का किरदार करने वाले भूचर साहब आए हुए हैं। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। राम जी के बारे में कहा गया है, राम जी कैसे थे, तो आजान बाहु थे, उनका हाथ जो है घुटने तक पहुंच जाता था। तो ऐसे हमारे भूचर जी आजान बाहु हैं, श्री राम जी का रोल अदा करेंगे, और सबको अपने रोल के माध्यम से, अपने रूप के माध्यम से, संवाद के माध्यम से सबको मोहित करेंगे। अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन का शुभ कार्यक्रम था, पावन कार्यक्रम था, उसमें हमारे पूज्य महंत लक्ष्मण किलाधीश जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला। और निश्चित रूप से अयोध्या की रामलीला का ये तीसरा वर्ष है। 2 वर्ष कोरोना काल में भी रामलीला तो हुई, लेकिन वो चैनल पर और उस पर देखी गई, लेकिन इस बार विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक ये रामलीला का अपना अलग महत्व होगा, और इसका संदेश पूरी देश दुनिया में जाने वाला है। करोड़ों लोग इस रामलीला को इस विश्व में और भारत में देखेंगे। निश्चित रूप से अयोध्या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, और अयोध्या की रामलीला भी उसी प्रकार से हमारे देश के प्रमुख कलाकार जो फिल्मी जगत से भी जुड़े हुए हैं और तमाम राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोग इसमें अपने योगदान देंगे, भागीदारी करेंगे, और निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार, आकर्षक, और जिसको पूरा विश्व देखेगा, वो अयोध्या की रामलीला शुरू होने जा रही है। आज भूमि पूजन का एक कार्यक्रम।